गए जनरल टिकट कट कट करके स्लीपर में कितना चार्जेस देना पड़ता है वो भी स्लीपर को सीसी को स्लीपर को सीसी को जैसे हो रहा था मैं जा रहा था फिर से भाग के आ जाता था मतलब इसके लिए नाइट भाई ये स्लीपर को से या मतलब जनरल को से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यही वो वाला शर्ट जिसमें इतना सारा इंसान का डेथ हो गया था एक ट्रेन एक्सीडेंट के लिए। बाथरूम के पास खड़ा होकर पूरा नाइट का सफ़र करना कितना मुश्किल वाली बात होती है। इसी ट्रेन जिस ट्रेन में मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ इस ट्रेन का भी दो तीन कोच उस एक्सीडेंट पे मतलब मैं ना उसमें जाओ और स्टेशन से एक नॉर्मल जनरल टिकट कर लो उसके बाद जिस कमरा में आपको जाना है उस कमरा में उठ जाओ उठने के बाद जितना फाइन देता है फाइन डाल दो जैसे। सो है गाइज वेलकम बैक टू अर चैनल वेलकम बैक टू न्यू अनदर ट्रेन ब्लॉग वीडियो। सो गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम SNVT रेलवे जंक्शन। सो गाइज आज का हमारा ट्रेन जर्नी होगा 12864 SNVB हावड़ा SF सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन के जर्नी के बारे में आज पूरा डिटेल्स आप लोगों के सामने देंगे जो SNVDC से लेकर हावड़ा तक का जर्नी कवर करते हैं करीब 33 आवर्स में। और इस जर्नी के दौरान हम लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ जानेंगे और इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि इस ट्रेन में आज जर्नी करूँगा पूरा जनरल टिकट में। तो मेरे पास अभी ट्रेन में स्टेशन पर आया था तो जनरल टिकट कर लिया हूँ और जनरल टिकट का प्राइस पड़ा 460 मतलब 460 के जनरल टिकट करके मैं जाऊँगा स्लीपर में। तो आप लोग कैसे जाओगे जनरल टिकट का टिकट करके स्लीपर में कितना चार्जेस देना पड़ता है वो भी दिखाएंगे इस बार ब्लॉग में कि जनरल टिकट से आप लोग स्लीपर में ट्रैवल कर दो कितना का एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है और आप लोगों को सीख मिलेगा कि नहीं सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना शुरू से लेकर एंड तक देखो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वाली आज ये ब्लॉग होगा। और एक बात चैनल पे जो जो नया है चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना और चलो वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे इस वाली वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला ट्रेन जर्नी। तो अभी मैं हूँ इस वाले टर्मिनल के ऊपर से और ये है SNVT जंक्शन। तो चलो अभी ट्रेन आने की देरी तो नीचे जाते और दिखाते आप लोगों को। और बेंगलोर का वेदर देखो बहुत सही है आज बारिश वाला वेदर है। तो चलो शुरू करते जर्नी। आज का ट्रेन का भीड़ देख सकते हो किस टाइप का भीड़ है मतलब अभी ट्रेन आया है 10:35 को छोड़ने वाला है ट्रेन और 10:08 को ट्रेन आके पहुंचा है। तो और इस डेट पे और एक ट्रेन था AC एक्सप्रेस हमसफर वो भी कैंसिल है इसके लिए ज़्यादा भीड़ और भी हो गया। तो इसी साथ का जर्नी होगा मतलब भयंकर वाला जर्नी होगा आज बहुत ही क्रेजी जर्नी होने वाला। चलो देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ट्रेन आ गया है तो ट्रेन के AC बॉगी में बैठ जाओ क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो वेटिंग टिकट अभी टिकट आएगा कितना फ़ाइन लेगा वो फाइन डाल के जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को किस टाइप से फ़ाइन लेते कितना फ़ाइन लेते और इस टाइप का जानने का क्या हालत होता है। और अभी तो कोच खाली है AC में देखते बाद में क्या होता है। अभी देखें बारिश शुरू हो गई तो चलो अभी करते हैं। तो बारिश शुरू हो गया है तो आप लोगों को पूरा का पूरा इस वीडियो को डिटेल्स देंगे इस ट्रेन में कितना होल्ड आता है क्या है क्या है। और एक बात बता दूँ इसका शेड्यूल टाइम चेंज कर दिया है 10:35 को था बट ये अभी शेड्यूल टाइम देखा रहा है 12:30 को तो 12:30 को ट्रेन डिपार्चर होगा SNVDC लेकर। तो चलो देखते हैं जाने कितना टाइम लगता है वो भी दिखाएंगे क्योंकि पहले ही 2 घंटे का लेके हो गया है ट्रेन तो बाद में देखते क्या होता है। चलो तो फिलहाल अभी ट्रेन भी साथ नहीं हुआ है कोच का कंडीशन देख सकते हो। तो कुछ ट्रेन का रिव्यू देख लो देख सकते हो मतलब स्लीपर में भी ऐसा लोग उठा है ना मतलब पूरा जैम हो चुका है। अभी तो 2S का हालत दिखाऊंगा तो और भी मतलब भयंकर वाला सीन जो देखने को मिल जाएगा। चलो देखते हैं 2S में जाते हैं। 2S
मतलब जनरल बॉगी। सर कंडीशन वैसे ही 33 आवर्स का जर्नी होने वाला, अभी से देखो एक ही सीट खाली नहीं है, मतलब पूरा जैम लग चुका है। तो करीब ट्रेन छोड़ने का अभी आधा घंटे के ऊपर है, तो इसके लिए मैं बाहर आ गया था, बाहर आके अपना लंच कंप्लीट करके गया, क्योंकि ट्रेन का जो खाने का प्राइस है वो 120-140 करके ऐसे लेता है। तो मैंने कुछ पार्सल भी कर लिया, आप लोग अगर आते हो तो इससे मिट्टी के बाहर बहुत सारा खाने का दुकान मिल जाएगा आप लोगों को, 20-20 का एक पराठा मिल जाता है, वो आप लोग खा के ट्रेन में उठ सकते हो, क्योंकि ट्रेन का खाने का प्राइस ज़्यादा है। तो चलो अभी जाएंगे ट्रेन के अंदर, क्योंकि बैग मेरा उधर ही छोड़ गया था, तो चलो जाते हैं और जाने शुरू करते हैं। 1:11 पर एस एन मेट्रो जंक्शन से हमारा ट्रेन छोड़ गया है, मतलब सोच सकते हो 2.5-3 घंटे के करीब लेट में ट्रेन छोड़ा है एस एन मेट्रो से। अभी देखते हैं आगे का जर्नी कितना टाइम पे पहुंचता है, ये भी देखने वाली बात है। तो एस एम मेट्रो हावड़ा एक्सप्रेस का 1:28.64 ट्रेन का टाइम टेबल का बताता है, तो ये डेली चलने वाली ट्रेन सुबह को 10:35 पर एस एम बी जंक्शन को छोड़ता है, बजाज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट छोड़ा है, और इसमें टोटल हॉल्ट्स आएगा 33 हॉल्ट्स आएगा इसमें। और देखने वाली बात है कि इसमें टाइम तो लेट में चल रहा था, कितना टाइम पे हावड़ा पहुँचता वो भी देखने वाला बात है। और चलो अभी तो छोड़ दिया, अभी इसका नेक्स्ट हॉल्ट आएगा कृष्णराजापुरम, तो चाहते हैं कृष्णराजापुरम पर दिखाते हैं। फिलहाल देख सकते हो कृष्णराजापुरम पर आ गया ट्रेन का कंडीशन, पर मैं देखो यार कितने पैसेंजर उठ रहे हैं प्लान में भाई, सब दौड़ रहा है, इन लोगों को पीछे जनरल बॉगी नहीं है तो इसके लिए सब दौड़ रहे थे। तो आप लोग शायद सोच रहे हो कि अभी मैं स्लीपर एसी कोच में था और अभी मैं स्लीपर कोच में कैसे आ गया, ये तो ये आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि इस कोच को स्लीपर कोच है कि नहीं, क्योंकि ये स्लीपर कोच ही है, ये कोई जनरल बॉगी नहीं है, स्लीपर कोच है। तो स्लीपर कोच में ऐसा कंडीशन मतलब ऐसा भीड़ है, इसके लिए मैं चला गया था एसी कोच में, बट एसी कोच में टीटी ने मुझे इधर भेज दिया, क्योंकि उधर का फ़ाइन ज़्यादा मैं दे नहीं पाया, क्योंकि 3600 करके फ़ाइन मांग रहा था एकदम हावड़ा तक का, तो इसके लिए मैं स्लीपर कोच में आया। तो चलो देखते हैं आएगा जर्नी किस टाइप का होता है, वो भी दिखाता हूँ लोगों को। सो फिलहाल गाइज अभी हम लोग आके तिरुपति जंक्शन में 326 किलोमीटर का जर्नी कवर करके हम लोग अभी आ गए हैं 5 घंटे का लेटे तिरुपति जंक्शन में, और इधर से हमारा मतलब क्या बोलूँ गाइज जर्नी इसके मतलब इसके आगे में सीट दे नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारा मतलब ऐसा था सिचुएशन में क्या बोलूँ मतलब स्लीपर कोच में ऐसा रिजर्वेशन हो गया था, आप लोगों ने भीड़ देखा है किस टाइप का भयंकर वाला भीड़ था, तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे पाया। और ये देखो चलो आगे भी देंगे क्लिप, आप लोगों को भी दिखाएंगे, अभी तो मैं फ़िलहाल एसी में उठ गया हूँ, कितना फ़ाइन लगता है वो भी दिखाएंगे, और स्लीपर का फ़ाइन कितना वो भी बाद में बताते हैं आप लोगों को, पूरा का पूरा बताएंगे सब कुछ एक साथ में डिटेल्स बोलेंगे, अभी के लिए चलो देखते आगे क्या होता है। तो देख सकते हो स्लीपर कोच की कंडीशन, नाइट का कंडीशन कुछ इस टाइप का है, मतलब गेट के सामने ऐसा भीड़ लगा है ना, तो सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप लोग इस ट्रेन पर कोई ट्रैवल करता हो 1:28.64 ट्रेन पर अगर कोई ट्रैवल करता हो तो मैं उनको बता देता हूँ कि इस ट्रेन का जर्नी बहुत ही मुश्किल वाली जर्नी होता है, तो आप लोग टिकट निकाल के फिर से आना, क्योंकि स्लीपर कोच का कंडीशन तो बहुत ही बुरा भला रहता है, आप लोग तो शायद देख ही सकते हो। तो इसके लिए आप लोग जब भी आते हो अपना टिकट बना के आना एसी में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम विशाखापट्टनम। सो गाइज फिलहाल अभी हम लोग हमारा ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन में आके पहुँच गया है करीब 9:07 पे, 4.5 घंटे का लेटी पे। और गाइज बता दूँ नाइट पे बहुत परेशानी हुआ, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इसके लिए नाइट पे कोई ब्लॉग नहीं डाल पाया, खाने का वगैरह कुछ नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। क्योंकि जब हम लोग मतलब खाना वगैरह ले रहे थे और हमारा जो टिकट था मतलब
स्लीपर कोच में हमारा टिकट था, मतलब फाइन लगाया था, बट हम लोग स्लीपर कोच में इतना गैदरिंग है आप लोगों ने दिखाया तो मैं स्लीपर कोच में रह नहीं पाया, इसके लिए मैं आ गया था एसी कोच में। तो नाइट पे ये एसी कोच में आने के बाद टीटीई फिर से स्लीपर कोच भेज रहा था, मतलब ऐसा स्लीपर कोच ऐसा हो रहा था, मैं जा रहा था फिर से भाग के आ जाता था, मतलब इसके लिए नाइट का कोई वीडियो में नहीं ले पाया। तो इस वजह से मैंने वीडियो आज का उतना अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाया था, इसके लिए सॉरी गाइस। तो चलो देख लेते हैं आगे का विशाखापट्टनम का खाना वगैरह फिर भी रिव्यू देंगे जितना हो सकता है उतना ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखते हैं आगे। तो आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं अभी तो स्लीपर कोच में, अभी एसी कोच में कैसे आ गया, तो मैं उस दूसरा दिन में एसी कोच में आ गया था, एसी कोच में अपना खुद से ट्रैवल कर रहा था, एसी कोच में मेरा कुछ रिलेटिव मिल गया था, तो मैं एसी कोच में आके सो गया था, बस कोई फाइन वगैरह नहीं डाला हूँ, बट एसी कोच में मेरा पूरा का पूरा ट्रैवल किया बाद का, मतलब नाइट के बाद जितना मैं ट्रैवल हुआ सब एसी कोच में मैंने किया। तो चलो आगे का जर्नी भी दिखाता आप लोगों को। तो आप लोग शायद सोच रहे हो ये जगह कौन सी है, तो ये जगह है वो बालासोर जिधर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, बालासोर के मतलब पहले बाल स्टॉपिस, तो इस जगह में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप का भयंकर वाली जी मतलब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी ट्रेन का पटरी जितना भी है तो साइड में देखो अभी भी रिपेयर चल रहा है, और ट्रेन का जितना भी कोच था सब कुछ मतलब साइड में एकदम मतलब घेर के रखा है, देख सकते हो किस टाइप का लग रहा है। तो ये भयंकर वाली जगह में जहाँ मतलब ये वन वे चल रहा है, तो इसके लिए ट्रेन ज़्यादा लेट हुआ है, तो अभी का जितना भी ट्रेन है सभी लेट चल रहा है, क्योंकि आने के टाइम पे भी लेट आने आया था, इसके लिए लेट जा रहा है ट्रेन, तो इसके लिए फाइव आवर्स के करीब मतलब लेट ही चल रहा है, और ट्रेन का स्पीड भी बहुत कम हो गया है एक्सीडेंट के बाद। तो अभी इस लाइन पे जितना भी ट्रेन है सभी स्लो ही चल रहा है, और इसका टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, तो देखते हैं आगे का जानने कितना टाइम तक पहुँचाता है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी बने रहो ब्लॉग के साथ। तो यही है वो जगह मतलब मेरे पीछे जैसे ट्रेन जा रहा है, यही वो जगह जिधर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी आप लोग लाइव देखा कि ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद अभी कंडीशन क्या है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2 जून को, और अभी इसका कंडीशन क्या है वो आप लोगों को दिखा दिया। ट्रेन का मेरा मतलब सर्विसिंग चल रहा है, रूट का भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और इस ट्रेन का इसके लिए करीब 5 आवर्स के ऊपर से लेट चल रहा है, अभी टाइम हो रहा है करीब 9:29, मतलब इसके लिए इतना लेट है, मतलब ये एक रूट के लिए। अभी सिंगल लाइन चालू हुआ है, बाकी का सब चल रहा है, तो सिंगल लाइन पे इतना काम चल रहा है, तो देख सकते हो किसके लिए इतना सारा रूट है। तो ये वाली भयंकर वाली जगह मतलब सोच के एक टाइप सा दिल पर डर लगता है। जो एसी ट्रेन जिस ट्रेन में मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, इस ट्रेन का भी 2-3 कोच उस एक्सीडेंट पे मतलब ख़राब हुआ था, क्या आप लोगों को तो पता ही है। चलो आगे करके कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी के लिए इतना ही। और ये है थर्ड प्लेस। सो गाइस अभी फिलहाल मेसेदा में हूँ, मेसेदा से बोल सकते हो मेरा अभी वेस्ट बंगाल एंट्री कर चुका हूँ, वेस्ट बंगाल का सेकेंड हॉल्ट मेसेदा जंक्शन। तो फर्स्ट हॉल्ट था खड़गपुर जंक्शन, जिसमें मैं वीडियो करने की कोशिश तो की थी बट हो नहीं पाया कुछ कारण बस। तो भुवनेश्वर बालासोर क्रॉस किया था, देखा आप लोगों को बालासोर का कहानी भी सब कुछ दिखा किस टाइप का था, ट्रेन का कंडीशन सब कुछ दिखाया। अभी लाइन सिंगल लाइन चल रहा है, तो इसके लिए ट्रेन लेट ही है, तो लेट मतलब बहुत ही लेट। अभी हावड़ा में पहुंचने के टाइम दिखा रहा है करीब 1:40, तो सोच सकते 8 बजे की ट्रेन अभी 2 बजे करीब पहुंच रहा है, मतलब 6 घंटे का करीब लेट। और एक बात बता दूँ आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि मैं कैसे क्या करता हूँ, मतलब आप बोल सकते हो। मैं पहले बोला था कि मैं जनरल टिकट का मतलब जनरल का टिकट निकाल के कैसे मैं एसी में ट्रैवल करता हूँ, स्लीपर में ट्रैवल करते, आप लोगों का मन में क्वेश्चन है, आप लोग जानना चाहते हो, मैं बता दूँ। जनरल कोच में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मली टिकट करना होता है। लाइक आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल टिकट होता है ना, उसमें जाओ और स्टेशन से एक नॉर्मल जनरल टिकट कर लो, उसके बाद जिस कमरा में आपको जाना है उस कमरा में उठ जाओ, उठने के बाद जितना फाइन लेता है फाइन डाल दो। जैसे नॉर्मली स्लीपर कोच का फाइन नॉर्मल टिकट से 250 रुपये ज़्यादा, एसी कोच का फाइन अगर होता है तो नॉर्मल टिकट से 400-450 रुपये ज़्यादा, ऐसा कुछ करके लेते हैं। तो मैंने अभी यही टेक्निक यूज़ किए थे, और ऐसे में टिकट पर निकल के अभी जा रहा हूँ। चलो आगे का जर्नी दिखाते हैं। सो फाइनली हमारा ट्रेन हावड़ा में एंट्री कर चुका है 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे 1:42 पर।
मतलब हमारा जर्नी करीब 5.5 घंटे का था आज का जर्नी, भयंकर वाला जर्नी था। इस जर्नी के दौरान हम लोग आज बहुत कुछ सीखे थे, बहुत कुछ जाने थे और जर्नी भयंकर हुआ था करीब बोल सकते हो। और देखो ये है हावड़ा जंक्शन, अभी रात का हो रहा है 2 बज के करीब, तो फिलहाल के लिए खा लिए तो चलो। तो आज का वीडियो इतना तक ही था, अगर ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है एक लाइक, एक चैनल के जो जो नया है जो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, सी यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। अरे चलो।